आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हमारे दैनिक जीवन में यौगिक आकृतियों के क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखा था। आज यौगिक आकृतियों के परिमाप पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। दिखाई हुई आकृति में एक आयत और अर्धवृत्त है। आयत की लंबाई 280 मिलीमीटर तथा चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां दो यूनिट मिलीमीटर तथा सेंटीमीटर प्रयोग किए गए हैं। तो आइए इन्हें समान यूनिट यानी सेंटीमीटर में बदलें। क्या आप इस पैमाने की मदद से 280 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं? शाबाश, ये 28 सेंटीमीटर होगा। अतः आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 18 सेंटीमीटर होगी। चित्र में आप देख सकते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास आयत की चौड़ाई के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर मान की होती हैं। हम देख सकते हैं कि पीला आकार कुछ इस प्रकार है। शीर्षों को ए, बी, सी तथा डी नामांकित कर दें। दिखाई हुई आकृति का परिमाप भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए के मान का योगफल होगा। हमें ए बी, बी सी तथा सी डी का मान तो पता है, परंतु अर्धवृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करें? शाबाश, अर्धवृत्त डी ए की परिधि वृत्त की परिधि से ज्ञात की जा सकती है। यहां त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। हम देख सकते हैं अर्धवृत्त डी ए की परिधि वृत्त की परिधि 2 × π × त्रिज्या के आधी होगी। आइए अब पाई और त्रिज्या का मान रखें। अब परिमाप ज्ञात करते हैं भुजाओं और अर्धवृत्त की परिधि का मान रखते हुए। अतः पीली आकृति के परिमाप का मान 108 सेंटीमीटर है। इस वीडियो में आज हमने यौगिक आकृतियों में परिमाप पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देखा।